लगातार चर्चा में रहने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर अडानी की कंपनी पर खुलासे किए हैं। महाघोटाले का लगाया है आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या कहा है अडानी कंपनी और बीजेपी को लेकर सुन लेते हैं। मुनाफा फिक्स था, बिजली का उत्पादन करो, बिजली का वितरण करो, बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाओ और इसके ऊपर मुनाफा लो, तो इससे पेट नहीं भरा। मोदी जी के दोस्त अडानी का पेट इससे नहीं भरा। उन्होंने कहा रहे इस ऐसे कैसे काम चलेगा, सिर्फ मुनाफा, हमें मुनाफा सिर्फ नहीं कमाना। अडानी ने कहा हमें खुली लूट करनी है, और लूट कैसे की, खुली लूट, बिजली के उत्पादन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे गए, कुछ उपकरण खरीदे गए, कुछ मशीनें खरीदी गईं। वो मशीनें कहां से खरीदी गईं? चीन से खरीदी गईं, साउथ कोरिया से खरीदी गईं। और बड़ी मजेदार बात सुनिए, इसमें जो साउथ कोरिया और चीन से मशीनें खरीदी गईं, यानी आप पत्रकार हैं या कक्षा 10 के भी किसी बच्चे से पूछ लेंगे, क्लास 10 के बच्चे से भी पूछ लेंगे, या थोड़ा बहुत इंटरनेट की जानकारी रखने वाला व्यक्ति अगर उससे भी आप पूछ लेंगे कि भाई ये मशीन कहाँ मिलेगी, ये उपकरण कहाँ मिलेगा, तो आपको सीधे बता देगा भाई चीन में मिलेगा। लेकिन अडानी ने क्या खेल किया, जो सामान एक एक व्यक्ति को मालूम है कि वो चीन से मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, अडानी ने उसके लिए जो ऑर्डर दिया वो मॉरिसस में दिया। जो सामान चीन से मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, उसका ऑर्डर दिया मॉरिसस में, उसका ऑर्डर दिया दुबई में, उसका ऑर्डर दिया अपने भाई की फर्जी कंपनी में। उनके भाई का नाम है विनोद अडानी, अपने ही भाई के फर्जी कंपनी में उन बिजली के मशीनों को, उस उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को खरीदने का ऑर्डर देते हैं अडानी। अगर 100 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए उसका दाम बताया जाता है, अगर 1000 रुपए की चीज है तो 10,000 रुपए उसका दाम बताया जाता है, अगर 1 करोड़ की चीज है तो 20 करोड़ उसका दाम बताया जाता है। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, एक डिस्क इंसुलेटर्स है। अब ये डिस्क इंसुलेटर जो है इसकी कीमत है 95 करोड़ रुपए, इसको खरीदा गया 575 करोड़ रुपए में, किससे, अपने ही भाई की कंपनी से, विनोद अडानी से। एक इक्विपमेंट है ऑप्टिकल फाइबर, इसका दाम है, वास्तविक दाम है 21 करोड़ रुपए। महंगी बिजली बेचने के लिए, लूट और फर्जी मुनाफा कमाने के लिए ये 21 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर खरीदा गया 236 करोड़ रुपए में, 1000 गुना से भी ज्यादा। टर्बाइन जनरेटर है एक इक्विपमेंट, ये 2700 करोड़ रुपए इसका वास्तविक दाम है, इसको खरीदा गया 5000 करोड़ रुपए में। ये सामान 2700 करोड़ का ही है, चीन को ही ऑर्डर दिया गया, चीन से ही इंडिया आता है सामान, भारत में अडानी की कंपनी में उतरता है। लेकिन जो कागजों का खेल हुआ, जो घोटाला हुआ, वो घोटाला क्या है, वो घोटाला है कि ऑर्डर दिया गया मॉरिसस को, मॉरिसस ने कहा 2700 करोड़ का सामान 5000 करोड़ में मिलेगा, ओवर इन्वॉइसिंग की गई, बड़े दामों पर बिल बनाया गया, और एक चीज का नहीं, कई सामानों का।
अब आप पूछेंगे कि बड़े दामों पर बिल बना तो इसका फायदा क्या होगा? अरे बिजली के उत्पादन के लिए जो भी मशीनें महंगी खरीदी गई उसका सारा का सारा भुगतान महाराष्ट्र की सरकार से ले लिया गया, और यह भुगतान कितना है? लगभग 10,000 करोड़ रुपए। और इसकी दो नोटिसेज जो DRI ने दी थी, 2014 में ये नोटिस दी गई है, और इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अडानी ने महंगे दामों पर मशीनें खरीदी, बिजली उत्पादन के लिए मशीनें खरीदी, अपने ही भाई की कंपनी से मशीनें खरीदी, और कहां कहां से खरीदी, वो कंपनियां फर्जी कंपनियां, मॉरिसस की कंपनी, दुबई की कंपनी, जबकि बच्चे बच्चे को गली मोहल्ले में मालूम है कि ये सामान जो सामान अडानी खरीद रहा है बिजली उत्पादन के लिए, वो सामान चाइना में मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, उसका ऑर्डर अपने भाई की फर्जी कंपनी को दिया जाता है जो बढ़े दामों पर बिल बनाकर देता है, और उसका पैसा महाराष्ट्र की जनता से लिया जाता है।